हेलो दोस्तों, दिस इज आशीष इंजीनियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फेसबुक पर आप अपनी रील्स को किस तरीके से वायरल कर सकते हैं, क्योंकि फेसबुक पे रील्स वायरल होंगी तो भाई आपके इसमें व्यूज ज्यादा आएंगे, ज्यादा व्यूज ज्यादा अर्निंग कर सकते हो आप। डायरेक्टली मोबाइल उस पर लेकर चलता हूँ, इससे कर दो तो यहाँ से स्टार्ट, ये आपके सामने स्टार्ट हो गया है जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ से हम चलते हैं फेसबुक, ओपन कर लिया हूँ मैंने। फेसबुक पर रील्स वायरल होने से पहले मैं आपको रीच जरूर दिखाऊंगा कि रीच कितनी आना चाहिए हमारे इसमें। यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मोनेटाइजेशन स्टेटस पर चलते हैं हम। यहाँ पर आपको रीच दिखाई दे रहे 4.6 मिलियन, कंटेंट पब्लिश 25, एंगेजमेंट आपका 54,000 एंगेजमेंट, बहुत बड़ा रहता है भाई, जहाँ से आप अर्निंग में बहुत अच्छी कर सकते हो। नेट फॉलोअर्स है 2000। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है नीचे आना है। मोनेटाइजेशन मैंने कल भी आपके लिए वीडियोज बना चुका था जिसमें मैंने कहा है कि मोनेटाइजेशन में आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, $113 आप अर्निंग हो रही है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो एड ऑन रील्स में कितनी अर्निंग हो रही है, $116 हम तो एड ऑन रील्स से भी अर्निंग कर रहे हैं। सी ऑल, तो मैं यहाँ पर आपको कहूँगा एड ऑन रील्स में आपकी रील्स वायरल होना चाहिए। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 0.13, 0.09, 0.28, 0.02, 0.11, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, 0.43। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक रील्स जो कि 106.85, मतलब 106 भाई इतना पैसा कमा रहे हैं, एक रील्स इनकी वायरल होगी इसी से इनकी अर्निंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। अब ये कौन सी रील्स है और ये रील्स वायरल कैसे होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, बैक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करते हैं हम, 1,52,000 ही फॉलोअर्स हैं इनके, इन्होंने पेज भी बनाए पर ये इनकी प्रोफाइल है डिजिटल क्रिएटर। यहाँ से बैक, वीडियोस से नॉर्मली बहुत कम बना रहे, अब मान के चलिए इतने इतने वीडियो सितंबर दिसंबर में 2-3 वीडियोस आप बना सकते हैं अगर इन स्ट्रीम एड्स से आपको अर्निंग करना है। अगर इन स्ट्रीम एड्स से नहीं सिर्फ रील्स एड ऑन रील्स से पैसा कमाना है तो भाई आपकी रील्स वायरल होना चाहिए। तीन डॉट पर रील्स, ये गया हूँ, ये देखिए 14,000 जस्ट अभी अभी वीडियोज डाले उनके इसमें 14,000 व्यूज आ गए हैं। भाई इतने ही व्यूज आपके इसमें भी आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आप वीडियोज बनाते हैं ओन, भाई आप अपने खुद के वीडियोज बनाइए, ओके। वीडियोज जो भी रहेगा आपका, योर ओन वीडियोज शुड बी देयर ऑन द रील्स, आपके खुद के वीडियोज होना चाहिए, ओरिजिनल वीडियोज। ये देखिए ये डाले, ये बच्ची को बिठा दिए इस तरीके से, ये देखिए कितनी कॉमेडी है। एक और देंगे ये बच्ची, एक और छुपा देंगे उसमें शायद, ये देखो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कॉमेडी वीडियोस बनाना है। सबसे पहले तो खुद के वीडियोस बनाएंगे, खुद के वीडियोस बनाएंगे तभी तो भाई कुछ पता चल पाएंगे ना। दूसरे 36,000 ये इनकी वीडियोस, ज्यादातर आपने देखा होगा 36,000, 28, ये पूरे वीडियो इनके खुद के वीडियोस है। आपने देखा होगा एक हफ्ते तक आपके वीडियोस में 1,000, 2,000, 3,000 व्यूज आएंगे, अचानक से आपने देखा होगा 10-20,000 आपके इसमें व्यूज आएंगे। अब देखिए 13,000, 14,000, 20,000, 15,000, 17 लाख, एकदम से 17 लाख। उसके पहले आपको दिखाई देगा 3.1 मिलियन, मतलब 31 लाख इनके इसमें व्यूज आ चुके हैं। ये देखिए ये फेंके कॉमेडी, बाप रे ये पत्थर जा रहा हो, ये बच्ची पे गिरेगा तो ये दौड़ते हुए जा रहा है। इस तरीके से क्या करना है, कॉमेडी वीडियो 18,000 इनके इसमें लाइक्स आए हैं, उनको स्टार्स भी मिले होंगे तो स्टार्स से भी क्या कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, और एड ऑन रील्स का तो पैसा इन्हें मिलेगा ही मिलेगा। तो ये रील्स रील सेक्शन पर जाते हैं जिसमें लोग स्वाइप अप करके देखते रहते हैं और ये वीडियोस आने के बाद थोड़ा सा रुक जाते हैं, जिसके कारण 31 लाख के थ्रू इनको एक वीडियोज पे 8,000 रुपये मिल चुके हैं। तो भाई एक वीडियो से ये 8,000 रुपीज कमा रहे हैं, एक वीडियो से 8,000, भाई बहुत बड़ी बात है। दूसरा जो वीडियोज है ये ईट वाला है जिसे आपने देखा होगा, इसमें 17 लाख है, भाई इससे भी कुछ अर्निंग हो रही है। तो अर्निंग आप हमेशा कर सकते हो, तो सबसे पहले खुद के वीडियोस बनाए, दूसरा हाई क्वालिटी वीडियोस, जितना हो सका आप हाई क्वालिटी वीडियोस बनाओगे उतना सही रहेगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रील्स, यहाँ पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर मैं इस तरीके से बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दी, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ इसे नेक्स्ट नेक्स्ट कर देता हूँ, यू मस्ट बी 30 सेकंड टू कंटिन्यू, भाई 3 सेकंड तक आपकी वीडियोज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एक वीडियोज ले लेते हैं, यहाँ से मैं एक वीडियोस ले लेता हूँ, मान के चलिए छोटा वाला वीडियोस जो हमारे इसमें होना चाहिए, ये वीडियो से ले लेता हूँ मैं छोटा वाले, हाँ ये वीडियोस ले लिया हूँ मैंने, ये हमारे इसमें वीडियोस आ गया, मैंने किया हूँ नेक्स्ट। और देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये इतने सारे आपके इसमें टॉपिक दिखाई देने लग चुके होंगे, ओके। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है, आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे अच्छा कैप्शन लिखना पड़ेगा, ओके। फॉर एग्जांपल आप अपनी रील्स को वायरल करना चाहते हो तो क्या ऐसा हो सकता है, ये आपने लिखे, और उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल कॉमेडी, फनी,
जिस पे सबसे ज़्यादा आपके इसमें व्यूज़ आए हैं, फॉर एग्जाम्पल रील्स, ये मैंने डाल दिया। उसके साथ साथ क्या किया हो, मैंने मेंशन कर दिया। मेंशन किसको करना है, जो भी आपको लगता है, तो फेसबुक को भी आप मेंशन कर सकते हैं। इस तरीके से आपको मेंशन करना है, पब्लिक है, इंस्टाग्राम है। अगर आपको लगता है तो क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर इसको ऑटोमेटिकली शेयर कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं आप अपने लोगों को, मतलब जिसको भी लग रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है बंदा मेरा, इसको मैं टैग कर देता हूँ। लोकेशन एड टॉपिक, भाई टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने हमेशा कहा है जब भी आप वीडियो अपलोड करते हो तो टॉपिक का सबसे ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर टेक है मेरा, बैकिंग है, और ये तीन मैंने क्या कर दिया, सेव करके रख दिया। टैग बिजनेस पार्टनर, अगर आपको लगता है कि भाई नहीं मैंने किसी ब्रांड के साथ पार्टनरशिप किया हो तो आप कर सकते हैं। होंडा, तो मैंने होंडा लिख दिया हो, ये होंडा हमारे इसमें आ गया, तो मैं इनके साथ पार्टनरशिप भी बन गया हो, ठीक है। इसके नीचे में बूस्ट रील्स या सी मोर सेटिंग्स में, जिसमें आपको दो चीज़ दिखती है, एक स्टार का ऑप्शन, अगर आपको लगता है तो अर्न मनी फ्रॉम द एड ऑन रील्स, इसे डिसेबल भी कर सकते हैं, जहाँ से आप एड ऑन रील्स से पैसा नहीं कमा सकते हैं। पर हाँ, रील्स हमारी वायरल हो तो भाई पैसे के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इनेबल इसे कर देना चाहिए। यहाँ से आप नीचे आएंगे तो कवर टेस्ट में आप कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि भाई कौन सी हमारे इसमें डीप फोटो सही लग रही है, वो चीज़ भी क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपको जो भी फोटो सही लगती है कि भाई मुझे ये फोटोज रखना चाहिए, तो वो आप इजीली इसमें रख सकते हैं। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, बैक कर देता हूँ, डिस्कार्ड कर देता हूँ। ऐड प्लेलिस्ट, अगर आपकी कोई प्लेलिस्ट है तो यहाँ पर आप क्रिएट भी कर सकते हैं और प्लेलिस्ट को भी रख सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ के पूरे वीडियोस आपके इसमें दिखाई देने लग जाएंगे। ये नए नए फीचर्स आपके इसमें दिया जा रहा है और आपको शेयर करना है। उसके बाद आपकी रील्स में तीसरा पॉइंट जो मैं हमेशा कहता हूँ उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, रील सेक्शन पर जाता हूँ, यहाँ से और नीचे, यहाँ पर देखो 2.1 मिलियंस भी आपके इसमें दिखाई दे रहा है। तीसरा जो है, कभी भी बैन हैशटैग का इस्तेमाल मत कीजिए, कुछ आधे अधूरे हैशटैग कभी भी मत लीजिए, जिसमें मैंने पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ और आपको बताया है, कभी भी बैन हैशटैग का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये देखिए, फोर्थ जो कि बहुत है, स्टेबलाइज कैमरे का इस्तेमाल कीजिए, कैमरा रुका हुआ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए, और उसके साथ साथ आपका जो वीडियोस है वो एंगल बदल बदल के आपको वीडियो शूट करना है। ये क्या क्यों एंगल हो गया, अब देखिए, अब ये इसको देख रहा है, फिर इसके बाद इसके ऊपर बैठ चुका है, अब दूसरे एंगल से इसको आप वीडियोस दिखा, फिर तीसरे एंगल से इसको, फिर हर एंगल से ये क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है। तो इसके कारण आपको ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी वीडियोज़ काफ़ी अच्छे वीडियोज़ इनके होते हैं, एंगल शिफ्ट करते जाना है। उसके बाद जब भी आप वीडियोस करते हो तो सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, अपने वीडियोस ओपन कर करके देखते हैं, भाई मेरा वीडियोस में कितनी व्यूज है, मेरे वीडियोस में कितनी व्यूज है। ऐसी गलती आपको नहीं करना, जो कि मैंने पहले बहुत ज़्यादा तहकीकात किया। मैं आपको इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ये चीज़ें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ये गलती करते हैं और ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना। अगर ये गलती करेंगे तो आगे चल के आपके साथ ही प्रॉब्लम हो सकता है। ये देखिए 34,000, 22,000, 66,000 अचानक से इनके वीडियोज़ वायरल नहीं होते। फिर यहाँ पर आपने चेक किया होगा, कुछ गलती नहीं की, जिसके कारण की वीडियोस वायरल होने लग गए हैं। फिर आप 13 मिलियन, 17 मिलियन बहुत ज़्यादा रील्स वायरल होने लग गए थे। तो ये जो मैंने ट्रिक्स बताया, इससे आप अपने रील्स को वायरल कर सकते हैं, जिसके कारण अगर आप यहाँ पर चेक भी करोगे प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर जाके, रील्स कंटेंट पब्लिश्ड, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं दिखा रहा, जो भी वीडियोज बनाते हो तो 3 सेकंड तक तो भी लोग उसको बहुत ज़्यादा देखना चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, स्वाइप अप करते जाते हैं, तो उसके कारण 3 सेकंड तक आपकी वीडियोज को नहीं देखा जाता। एक दिन में कितने मिल रहे हैं, 15,30,000, 15 लाख, ठीक है, 1.5 मिलियन इनके इसमें 3 सेकंड ऐसे वीडियोस देखे जा रहे हैं जिनमें 15 लाख बोलो तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। ओके, अगर मान के चलिए 20 लाख है, उसमें से 15 लाख तो 3 सेकंड तक हमारे वीडियोस को देख ही रहे हैं 5.1 के। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके रीच बढ़ाइए, एंगेजमेंट बढ़ाइए, आप अपने नेट फॉलोअर्स भी आपकी बढ़ेगी, एक एक दिन में आपके इसमें 1,000 फॉलोअर्स आने लग जाएंगे, और भाई 3 सेकंड वीडियोज तो आपके बढ़ेंगे, जिससे आप अर्निंग भी अच्छी खासी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं अर्निंग भी अगर आपको शो करूँगा तो आप चेक कर सकते हैं कि पे आउट में इनकी ट्रांजेक्शन कितनी ज़्यादा होती है। ये देखिए यहाँ पर देखा है 229, 451, इस तरीके से 1,000, 2,600 इतनी ज़्यादा अर्निंग ये करते हैं। तो अभी अभी अर्निंग करना है एड ऑन रील्स को इनेबल करने के लिए रील्स वायरल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मैं यहाँ से इसे तो कर देता हूँ बंद, अनप्रोसेस पेड होते जाएंगे आपके इसमें पूरा पैसा आ जाएगा, एड ब्रेक्स का भी पैसा आएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब चैनल, ऐसा सुनिए ऐसे वीडियोस में आप लिए बनाते रहते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग।